ये जो वीडियो है उस स्थान का है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जीवित आसमान पर उठा लिए गए थे, और इस स्थान का नाम है जैतून का पहाड़। और ये जो स्थान है ये यरूशलेम के बीच में है, और इस स्थान के बारे में बाइबल में जिक्र है। उस रेफरेंस को मैं बताती हूँ और वो आप पढ़ सकते हैं। आप बाइबल में इसका रेफरेंस आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 16 से लेके 20वां तक आप वचन पढ़ सकते हैं, और मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 14 से लेके 18वां वचन तक, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 36 से लेके 49 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। आप यूहन्ना में भी पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 19 से लेके 23 वचन तक, और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6 से लेके 8 वचन तक। तो हम प्रेरितों के काम का हम वचन पढ़ते हैं। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये चर्च है, और ये छोटा सा चर्च है, और ये उस स्थान पर है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने से पहले जो उनके पैरों के निशान है वहाँ पर आप देख सकते हैं इन वीडियो में। और प्रभु यीशु मसीह के जो पैरों के जो निशान है इस पत्थर पे हैं, वो आज भी प्रभु यीशु मसीह के पैरों के निशान को इन पत्थरों में आप देख सकते हैं। और ये आज भी परमेश्वर के पैरों के जो फुटप्रिंट्स है वो आज भी इन पत्थरों पे मौजूद हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह के पैरों के निशानों को इन पत्थरों के ऊपर में। ये कितनी बड़ी बात है कि आज भी हम प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है उनके पैरों के निशानों को हम आज देख पा रहे हैं, और आप भी इस वीडियो के थ्रू देख पा रहे हैं। और इस स्थान को देखकर बहुत ही खुशी हो रही कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जीवित स्वर्ग पर उठा लिया गया, और आप लोगों को भी बहुत खुशी हो रही होगी इस जगह को देख के। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग इस जगह को देख के आपको कैसा लग रहा है। और इस वीडियो को जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा लिए गए थे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो लोग उस स्थान को जो देख नहीं पाए हैं और जो जा भी नहीं सकते और जो जा नहीं सकते यरूशलेम, आप इस वीडियो के द्वारा आप देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी देख सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उस नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप देख सकें।